बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। तो बाहर जो है वो मौसम आज ठीक ही था मसलन, लेकिन यह कि ठंड अच्छी खासी है बाहर। तो जी, मेरी जो डेली की नाश्ते की रूटीन है वो सेम ही होती है, और ज़ाहिर है मैंने अब क्या आपके साथ चेंज करना है। तो जो डेली नाश्ता होता है बेटी के लिए बनाती हूँ पराठा, अपने लिए चाय और उसके लिए सालन। जो पराठा उसने खाना होता है वो खा लेती है, बाकी जो है वो मेरा नाश्ता भी यही होता है। मैं अपने लिए बाज़ दफ़ा एक आध ब्रेड ले लेती हूँ, अगर वो खुश होकर पराठा खा ले तो ब्रेड ले लेती हूँ, साथ एक अंडा ले लेती हूँ। देखूँगी अगर उसने नाश्ता कर लिया पेट भर के तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए जो है ना वो ब्रेड और एक अंडा जो है वो बना लूँगी। साथ जो है वो मैंने चाय भी छान ली है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो पहले सुबह जल्दी जो है वो नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल नहीं जाते, तो हमारी रूटीन यही होती है। अच्छा जी, आजकल जो है ना वो लाइफ बहुत अजीब सी और बहुत बोरिंग सी जो है वो गुजर रही है। कोई समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या करे और क्या ना करे। डेली सोचती हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ नया मतलब बंदा करे, लेकिन करे भी क्या, इतनी ठंड है ना बंदा बाहर जा सकता है ना बच्चों के साथ। वैसे मैं कभी बाहर गई हूँ तो बस जो रूटीन में आता है, जो डेली मेरे काम काज हैं वही कर लेती हूँ, वही मेरी जो है वो डेली की रूटीन होती है। तो बस यहाँ पर जो है वो अब मैं सफाइयाँ कर रही थी नाश्ता वगैरह करने के बाद, किचन साफ़ किया, बर्तन धोए हैं, अब जो है वो मैं पूरे घर की जो है वो सफाइयाँ करने लगी थी। तो आज जो है वो मैं लगी थी यहाँ पे कपड़ा लगाने के लिए, गीला कपड़ा। आजकल सर्दियाँ ना तो इतना नहीं है, गर्मियों में तो रेगुलर जो है वो मैं सफाई जो है वो गीले कपड़े के साथ करती हूँ, क्योंकि रोशन रोशन ज़रा दिन होते हैं ना तो पूरे घर में जो है वो गंद मंद नज़र आता रहता है। सर्दियाँ इतना जो है वो छोटा सा दिन होता है, तो बाज़ दफ़ा जो है वो ब्रश लगा देती हूँ, बाज़ दफ़ा जो है वो गीले कपड़े के साथ सफाई कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो सफाइयाँ वगैरह करने के बाद बच्चों के साथ मिलके बैठ के फ्रूट खाया है और माल्टे वगैरह और जो भी था। तो अब जो है वो किचन में आई हूँ, मैंने कहा कुछ पकाने के लिए देख लूँ क्या पकाना है। रोज़ जो है वो समझ नहीं आती कि बंदा क्या पकाए और क्या ना पकाए। कसम से इतनी टेंशन है ना पकाने की कि औरत की आधे से ज़्यादा जो ज़िंदगी है ना वो यही सोचते गुजर जानी है कि आज क्या पकाना है। तो आज तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस फ्रिज में देखा है ये चिकन विंग्स पड़े हुए थे, मैंने कहा इन्हीं को जो है ना वो बेक कर लेती हूँ ओवन के अंदर। तो बस ये निकाले हैं, तो ओवन जो है इसको चलाती हूँ, इसको खाली करती हूँ, जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना वो सारे ओवन के अंदर हम लोगों ने घसेड़े होते हैं। तो जो जो ऐसे करता है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे घर के एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना वो इसी में रखे होते हैं, फिर जब इसकी ज़रूरत होती है चला देती हूँ तो इसमें से बर्तन निकाल कर तो फिर वापस इसको कर देती हूँ। अच्छा जी, ये जो चिकन विंग्स मैं लेके आई हूँ ना ये फ्रोज़न होते हैं और इसको मसाला वगैरह लगा होता है, तो बस इसको ला के जो है ना वो मैंने बस आज मैंने कहा कुछ डिफरेंट ही कर लेती हूँ। तो कोई समझ नहीं आ रही थी, अजीब सा जो है ना वो कसम से सिचुएशन होती है जब पकाने की बारी आती है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है ना इसको चिकन विंग्स को रख दिया था ओवन के अंदर, और साथ जो है ना वो मैंने इनको चला दिया था, तकरीबन 200 डिग्री पर मैंने इनको रख दिया था और पकने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं लगी हुई थी ये आलू और प्याज काटने, साथ में मैंने एक शिमला मिर्च भी ले ली थी। तो इनको ऐसे गोल गोल बड़ा बड़ा काट के ना छीलने के बाद तो इनको विंग्स के साथ रख दूँगी। पहले मैंने थोड़ी देर पहले विंग्स रख दिए ताकि वो थोड़े से पक जाएँ, क्योंकि सब्ज़ियों को इतना टाइम नहीं लगता तो उसको ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने उसको रख दिया जितनी देर में उसको रखा ना, बाद में साथ ही जो है ना वो फिर मैंने उनको निकाल के तो ये प्याज और आलू और शिमला मिर्च भी मैंने एक साथ में काट ली थी। तो इनको जो है ना वो उसी डिश के अंदर रख के और
उनकी साइड चेंज कर दूंगी, तो बस साथ ही ये भी पक जाएंगे। आज मेरी सिंपल सा जो है ना वो बस यही खाना मेरा हो गया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैंने विंग्स को निकाल लिया था बाहर। अब इस डिश के अंदर जो है ना वो मैंने आलू प्याज और शिमला मिर्चें साथ ही काट के मैंने रख दी थी, और विंग्स की सब की साइड चेंज करके विंग्स को ऊपर रख दिया था, और दोबारा इनको जो है ना वो ओवन में रख दूँगी ताकि ये आलू जो है ना ये भी इनके साथ पक जाएँ। तो बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी जो है वो बने थे, और सिंपल सा जो है ना वो हो गया था हमारा शाम का खाना। तो बस अब डिश को उठाती हूँ, उठा के जो है ना वापस ओवन में रखती हूँ। साथ जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए जो है वो मैंने बगत भी गर्म करने के लिए रख दिया था। वो कह रही थी माँ मैंने बगत खाना है, तो मैंने उसके लिए जो है ना वो साथ मैंने बगत रख दिया था। तो जी यहाँ पे जो है ना विंग्स मैंने रखे हुए थे ओवन के अंदर, साथ जो है ना वो अब रेडी होने वाले थे तकरीबन। तो मैंने कहा कि साथ जो है ना वो एक एक रोटी बना लेती हूँ, चलो विंग्स के साथ साथ जो है ना वो मैंने दही की जो है वो चटनी बना ली थी, और साथ में केचप और मायो के साथ ना मैंने कहा चलें साथ एक एक रोटी खा लेंगे, क्योंकि विंग्स के साथ तो पेट भरना नहीं था। तो मैंने साथ में जो है ना वो एक एक जो है वो रोटी बना ली थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर जो है वो जल्दी जल्दी रोटी भी साथ साथ बना लेते हैं, और साथ जो है ना वो फिर बैठ के तो विंग्स के साथ जो है वो शाम का खाना खा लेंगे। अब सुबह नाश्ते की फिर ये है कि नाश्ते की भी टेंशन थी कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएंगे, तो चलें जब सुबह आएगी तो देखी जाएगी कि सुबह नाश्ते में आज क्या बनेगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं रोटी बना रही थी, एक रोटी मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी और एक जो है वो अपने लिए बनाई थी। बच्चे जो हैं छोटी नाबिया जो है वो साथ ही जो है वो उसके थोड़ी थोड़ी वो बोटी खा लेती है, और रात को जो है उसको मैं उसका खाना खिला के फिर उसको सुलाती हूँ। उसको ना रात को सोने से पहले एक दफ़ा सीरीलैक ज़रूर खिलाती हूँ उसको ना, सीरीलैक या ब्राई जो भी कह लें उसको। और नकाशा ने जो है उसके लिए मैंने बगत गर्म कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई थी और विंग्स जो हैं वो भी बिल्कुल मेरे रेडी थे। और ये देखें मैंने इसके लिए ना ऊपर जो है वो मैंने बगत रखा हुआ था, और साथ जो है ना वो विंग्स भी रखे हुए थे। तो अब जो है वो विंग्स को निकाल लेते हैं बाहर। तो जी यहाँ पे जो है ना वो हमारा शाम का खाना भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। अब इसको सबको जो है ना वो प्लेट में निकाल लेती हूँ, और साथ में आलू और जो प्याज है ना वो इतने मज़े के तैयार हुए थे ना कि बस ऐसे बहुत यम्मी और टेस्टी जो है वो तैयार हो गए थे। तो इन सबको जो है वो प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है वो हमारा शाम का ज़बरदस्त और मज़े सा का जो है वो खाना तैयार हो चुका था। अब जो है टेबल पे बैठ के सब ने बच्चों ने और हमने मिलके जो है वो बैठ के यहाँ पे खाना खाया था। खाना खा लेती हैं और उसके बाद जो है ना वो बाकी जो काम काज हैं वो अपने कर लेंगे, और बस इसके बाद जी बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी। यहाँ पे जो है ना वो मैंने बर्तन धोने के बाद किचन भी साफ़ कर लिया था। अब जो है वो चाय बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो चाय बना दो, मैं रात के टाइम चाय नहीं पी सकती, क्योंकि अगर मैं रात के टाइम चाय पी लूँ ना फिर ये होता है कि मैं जो है वो मुझे सही रात फिर नींद नहीं आती। तो बस उनके लिए एक कप चाय बनाई है, चाय बना के उनको दूँगी, और जो चाय वाले बर्तन हैं वो भी सारे साथ साथ जो है वो धो दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।